नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको स्कूल बस, स्कूल वाहन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुल मिला के 17 बिंदुओं पे बात हुई है, 17 पॉइंट्स हैं उसके। और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपका आता है शुरुआती तौर पे कि ये पीले कलर से पुती होनी चाहिए। कोई भी स्कूल वाहन हो, चाहे वो आपकी बस हो चाहे वैन हो, आपका पीले कलर से पुता हुआ होना चाहिए। और स्कूल बस है तो उसमें स्कूल बस आगे भी लिखा रहे और पीछे भी लिखा रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए, जो भी स्कूल है उस स्कूल का नाम होना चाहिए और उसका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ठीक, अब पीछे देख सकते हैं आप कि ये स्कूल बस आगे और पीछे नंबर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्कूल बस आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा होना चाहिए, पीले कलर से पुता होना चाहिए, नंबर प्रॉपर स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए, उनका स्कूल का मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर भी रहना चाहिए। तो ये चीज है मुझे आइए देखा गया। और ये आप देखते हैं ये विंडो पे, इस पे जाली लगा होना चाहिए ताकि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा हमारा अपने हाथ या सिर जो है वो बाहर ना निकाले और कोई दुर्घटना ना घटे। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे है, आप देख सकते हैं जाली, विंडो जाली होना चाहिए। चलिए आइए बस के अंदर देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है जो कि गाइडलाइन में है। तो ये आके चेक करते हैं अपन। तो अभी बच्चे नहीं है आपकी, अभी बच्चे नहीं, स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये लिस्ट, बच्चों वाली लिस्ट यही है ना जी। तो ये बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स जितने इसमें बैठते हैं उनकी प्रॉपर एक लिस्ट होनी चाहिए, उनके फादर्स का नाम होना चाहिए, वो उनका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, उनका होम एड्रेस होना चाहिए और उनके आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि उनका ब्लड ग्रुप भी रजिस्टर भी होना चाहिए उस पे, जो आपके पर डे आप अटेंडेंस लेते हो, बच्चे जो जो बैठते हैं जो नहीं आ पाया उसका भी होना चाहिए आपके हिसाब। चलिए ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो ये चीज आप पे, ये सभी को करके चलना है। सर कैमरा चालू भाई कि नहीं, ऐसी चालू है ना, बहुत अच्छी बात। चलिए ये चालू कैमरा, ये कैमरा होना चाहिए एक चीज का। और जीपीएस है जी सर, जीपीएस है। और स्पीड गवर्नर लगा हुआ है इस पे, स्पीड गवर्नर इंजन में लगे हैं सर, लगे हुए हैं। क्या होता है, कितने किलोमीटर स्पीड होनी चाहिए? 40 से ऊपर नहीं ना, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीजें हैं, गैस सिलेंडर का आपका जो गैस सिलेंडर है ये प्रॉपर इस पे फर्स्ट एड बॉक्स है कहाँ पर है भाई, उस पे लिख भी दीजिए कीजिए। हाँ, ये सभी चीजें हैं इसपे होनी चाहिए, देख सकते हैं आप। ठीक, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए आपका गैस सिलेंडर का भी, फायर, इसको फायर इंस्टीगेशन कहते हैं, फायर अगर आपका अगर आग लग जाती सपोज दैट, तो इसको आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी ले लिया करो बीच बीच में, है थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पर अपने यहाँ है तो अपन नगर पालिका में संपर्क करके उनसे थोड़ा सिखलाई कर लिया कीजिए, बीच बीच में आपका वो हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। और इसमें जो प्रॉपर चीज है वो देखने लायक ही स्कूल बैग जो लिए रहते हैं बच्चे, उनके बैग की कैरी करने के लिए क्या जगह होती है, ये आप देख सकते हैं, सीट के नीचे प्रॉपर जगह है, ये भी अच्छी बात है। और अक्सर ये स्कूल वैन वाले जो हैं वो भी प्लीज ध्यान देंगे कि आपको हैंड कैसे कैरी, हैंडल कैसे बनाना है, इस चीज का ध्यान देंगे। बैग वगैरह आप बच्चे लेके और वहां अंदर वैन में नहीं रह पाएंगे और इतना वजन लेके नहीं चलेंगे, तो इस चीज का ख्याल रखना है आपको कि आप उनका बैग रखने की जगह हो प्रॉपर तरीके से। दरवाजा जो है ये इसका जो है बहुत ही मजबूत सुरक्षात्मक दरवाजा होना चाहिए, रिलेबल होना चाहिए बहुत, ये चीज का ध्यान दें आप लोग। और लगभग लगभग सारी चीजें सही हैं। और इस पे देख सकते हैं आप, इसका इमरजेंसी विंडो किधर है, इमरजेंसी विंडो लेफ्ट साइड, ये है इमरजेंसी डोर, ये डोर इमरजेंसी डोर है। तो ये सारी चीजें एक एक चीज बारीकी से करें और
प्रॉपर तरीके से चले तभी आप स्कूल बस चलवाएं या तो स्कूल वाहन चलवाएं, अपने बच्चों को जो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं तो प्लीज़ वो ध्यान दें इस बात का कि सारी चीज़ें जब सही चलेंगी तब आप उसको बच्चे को अपने उस वाहन में बैठवाइए और स्कूल भेजिए। हो जाएगा कैसे आग बुझाएंगे अगर कभी आग लग गई तो ऐसी स्थिति से हर स्थिति से हमको निपटने के लिए एक तैयार रहना चाहिए पहले से ही। इसमें देख सकते हैं अगर स्पीड से जैसे चल रही है गाड़ी या कुछ भी तो इसमें पूरी तरीके से नंबर लिखा हुआ है अपने एम्बुलेंस का भी नंबर, महिला हेल्प डेस्क का है। तो लगभग अगर इस स्कूल में देखें हम पूरी तरीके से इन्होंने पालन किया है। आपका नाम क्या है? ये आईडी होना चाहिए, इस तरीके से ड्रेस होना चाहिए जो ये ड्रेस पहने हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है उसको आप नॉर्मली देख सकते हैं गूगल पे जाके और सर्च करेंगे वो डायरेक्टली आपके आ जाएगी। उस पर जो 17 बिंदु हैं 17 पॉइंट्स हैं, मैं सभी को धीरे धीरे करके आपको बताना चाहता था और लगभग मैं बता चुका हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि इनका यूनिफॉर्म जो है ये इस कलर का होना चाहिए, अब खाकी कलर जो है अब चेंज हो गया है ये कलर होना, पैंट इधर का होना चाहिए, ब्लैक शूज़ भी होना चाहिए जो कि आपके पास नहीं है, इसको थोड़ा सुधारिएगा कमी को और बहुत बेहतर तरीके से जो है अभी चल रहा है आपका। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ जो वैन चलती है स्कूल वैन, अधिकतर उनमें यह देखा जाता है कि उनमें ये सारी सुविधाएं नहीं होती, कैमरा नहीं होता, किसी किसी में कैमरा लगा हुआ है तो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता। फर्स्ट एड बॉक्स है भी तो फर्स्ट एड बॉक्स अगर है भी तो उसमें यह देखा जाता है कि कोई सामग्री ही नहीं है, नाम मात्र का 2 साल पहले पड़ा हुआ था तो फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा हुआ है। तो ये प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो जो आप वैन चलाते हैं, मैजिक चलाते हैं, जो बच्चों को ले आते ले जाते हैं, प्लीज़ स्कूल बस वाले भी ध्यान दें और जो स्कूल वैन वाले हैं वो भी प्लीज़ ध्यान दें। आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो माननीय उच्चतम न्यायालय की सभी गाइडलाइन का पालन करना है और एक एक पॉइंट का पालन करना है, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, आपके स्कूल की तरफ से और होगी कार्रवाई और निश्चित तौर पर फिर आप वाहन नहीं चला पाएंगे सड़क पे। और आप जितने भी स्टूडेंट्स को ले जाते हैं प्रॉपर उनकी लिस्ट रखिए, उनका नंबर्स रखिए और समय आने पर अगर कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, एक अटेंडर होना चाहिए आपका, ये ड्राइवर है और आप कंडक्टर हो, अटेंडर यहाँ पर अटेंडर बोल सकते हैं, ठीक है, आप अटेंडर भी, क्योंकि बच्चों को उतारते हो आप कि नहीं उतारते? जी। बच्चों के क्या उतारने क्या प्रोसेस है? आप जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको घर पहुंचाना है और रोड क्रॉस कराना है तो आप बच्चे को उस पार कराते रोड, वेरी गुड, रोड क्रॉस कराना है आपको हर हालत में। अगर आपके साथ जो अटेंडर है उसका यही काम है कि बच्चे को बस से उतारे और अगर रोड क्रॉस करने की स्थिति है तो पूरी रोड क्रॉस कराना है। तो यही सब बातें हैं, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।